मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने समाधान यात्रा के दौरान पहुंचे मधुबनी, आंगनवाड़ी सेविकाओं से की मुलाकात, साथ ही जीर्णोद्धार तालाब का किया निरीक्षण, जिसके बाद सीधे मुख्यमंत्री लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुना और अधिकारियों को उचित निर्देश दिए। बक्सर में मुआवजे के लिए उग्र हुए किसान, चौथा पावर प्लांट पर पुलिस गाड़ी में किसानों ने लगाई आग। दरअसल बगैर मुआवजा फसल लगे खेतों में रेल कॉरिडोर और पाइप लाइन बिछाने के कार्य में किसान विरोध कर रहे हैं, जिसके कारण किसानों को पुलिस के आक्रामक रवैये का सामना भी करना पड़ा। बिहार में हो रही जातिगत जनगणना पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गई है। दरअसल देश की सबसे बड़ी अदालत में जातीय जनगणना के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें ये कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से जनगणना नहीं कराई जा सकती, ये केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 20 जनवरी को करेगी सुनवाई। बिहार में शराबबंदी कानून की उड़ी धज्जियां, समस्तीपुर कॉन्ट्रैक्ट परिसर में मिली शराब की खाली बोतलें, अधिकारियों में मचा हड़कंप। तो वहीं इस मामले में उत्पाद अधीक्षक शैलेंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि बोतलें देखने में काफी पुरानी लग रही हैं, फिर भी हम इसकी जांच कर कार्रवाई करेंगे। मुंगेर के धरहरा के जंगलों में एक लकड़हारे को मिले स्लॉथ बियर के दो नवजात शावक, जिसके बाद डीएफओ गौरव ओझा के निर्देश पर रेंजर की टीम ने लकड़हारे से दोनों शावकों को रेस्क्यू किया और अब उन्हें पटना जू में भेजने की तैयारी की जा रही है। सुधाकर सिंह पर महागठबंधन में घमासान, उपेंद्र कुशवाहा बोले, तेजस्वी कितना करेंगे बर्दाश्त, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं। संक्रांति बीतने का लोग इंतजार कर रहे हैं, उतना इंतजार आप लोग भी कीजिए ना, क्यों हर बड़ी हमने देखा है उनका बयान भी, लेकिन कुल मिला जुला करके विधायक बोल रहे हैं तो जिस पार्टी से आते हैं माननीय विधायक जी, उस पार्टी को देखना चाहिए। इस तरह का बयान कहीं से उचित नहीं है। उचित क्या, मतलब पार्टी किसी भी दल में इस तरह का बयान हो तो उस दल का विषय बनता है कि उस दल के नेता इसको देखें। तो हमारी तो अपेक्षा है पहले से भी कि राष्ट्रीय जनता दल के जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं उनको देखना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन पर कोई कुछ बोलता है बर्दाश्त नहीं होगा और लोग बोलते जा रहे हैं उनके पार्टी के नेता, इसका अर्थ तो हमसे ज्यादा आप ही लोग लगा सकते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ। आरजेडी में तेजस्वी जी कह रहे हैं कि बर्दाश्त करने लायक नहीं है, तो आखिर बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? कार्रवाई तो उन्हीं को करना है, तो बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब भी तो वही दे पाएंगे। एक सवाल सर ये भी है जी, मुख्यमंत्री हैं, महागठबंधन को लीड कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग विपक्ष के लोग किसको टारगेट करेंगे? हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को कोई टारगेट करता है? हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन नीतीश कुमार जी हैं, इसलिए लोग कर रहे हैं, लेकिन उनके टारगेट करने से क्या फर्क पड़ता है? जनता साथ है नीतीश जी। बक्सर नगर में खलासी मोहल्ले में भीषण ठंड के दौरान अलाप ताप रहे लोगों पर गिरी दीवार, हादसे में एक व्यक्ति की हुई दर्दनाक मौत, दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से हुआ घायल, घटना के बाद परिजनों में मचा कोहराम, जांच में जुटी पुलिस। बिहार के शिक्षा व्यवस्था के पोल खोलती लाल आर्यन की फिल्म एजुकेशन द टेरर 3 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म को बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में एक साथ रिलीज किया जाएगा, जिसमें सुपौल का नया उभरता चेहरा गोविंदपुर गांव के रहने वाले कुमार आर्यन इस फिल्म में एक पढ़े लिखे बेरोजगार लड़के का किरदार निभा रहे हैं। पूर्णिया में निगरानी विभाग के कृत्यानंद नगर अंचल कार्यालय के राजस्व कर्मचारी अवधेश कुमार गुप्ता को 35,000 घूस लेते किया गया गिरफ्तार, जमीन का मोटेशन के लिए कर्मचारी ने की थी 35,000 रुपए की मांग। दिल्ली हाट के तर्ज पर मधुबनी के झंझारपुर NH-57 के किनारे बनाया गया मिथिला हॉट, इस हॉट में कुल 50 दुकानें हैं, इसके अलावा यहां लोगों के लिए कैफेटेरिया की भी सुविधा उपलब्ध है। नए साल में हुई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहली कैबिनेट की बैठक में 31 प्रस्तावों पर लगी मुहर, इनमें से सबसे महत्वपूर्ण राज्य के वित्त रहित 33 संस्कृत विद्यालयों और 46 मदरसों की अनुदान राशि को बढ़ाकर दोगुना किया गया, यानी कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के ही अनुदान राशि दोगुना मिलेगा। तो वहीं श्रमिक के पार्थिव शरीर को पैतृक निवास लाने के लिए मुआवजा राशि बढ़ा दी गई। कैश कांड में आरोपी तीनों कांग्रेसी विधायकों को ईडी ने भेजा समन, पूछताछ के लिए बुलाया कार्यालय, तो वहीं विधायक राजेश कश्यप ने कहा कि मैं पूछताछ में सहयोग करने के लिए ईडी कार्यालय जाऊंगा।
गढ़वा जिले में तेंदुए का काउंटडाउन शुरू, शूटर शफत अली खान को जहरी के जंगलों में रात में दिखा तेंदुआ और जंगली सुअर, लेकिन स्पेशल सर्च लाइट के पड़ते ही तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया। हालांकि अब शूटर आफत अली खान के द्वारा जल्द ही आदमखोर तेंदुए को रात में ही पकड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। अपने एक दिवसीय दौरे पर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता पहुंचे टंडवा, जहां पर उन्होंने लाभुओं के बीच किया कंबल का वितरण। इस दौरान मंत्री ने कहा कि परियोजनाओं और आउटसोर्सिंग के पदों पर होगी 75% स्थानीय लोगों की सहभागिता। गिरिडीह जिले के पारसनाथ में आदिवासी समाज के लोगों ने जनाक्रोश रैली निकाली। इस दौरान समाज के लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आदिवासी मूलवासी समाज के लोगों का कहना है कि पारसनाथ पर्वत पर सिर्फ जैनियों का अधिकार नहीं है, वहां आदिवासी के देवता मरंग बुरु का भी स्थल है। झारखंड के चतरा जिले में बाईपास और मिनी बाईपास सड़क का निर्माण होने जा रहा है। दरअसल सूबे के श्रम नियोजन प्रशिक्षण सह कौशिक विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि इस महीने इसका शिलान्यास कर काम प्रारंभ कर दिया जाएगा। चाईबासा के टोंटो में सर्च अभियान के दौरान हुआ आईईडी ब्लास्ट, जिसकी चपेट में आने से 5 जवान हुए घायल। सभी घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर रांची लाया जा रहा है। केंद्रीय कोयला सचिव अमृत लाल मीणा पहुंचे रांची। इस मौके पर सीसीएल के सीनियर अधिकारियों के साथ केंद्रीय सचिव ने की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिष्टाचार की मुलाकात। दुमका में प्रवृत्ति के पर्व सोहराय में हुई शुरुआत। सोहराय आदिवासियों के सबसे बड़े समूह संथालों का महापर्व है। इस पर्व को लेकर संथाल समुदाय के लोगों में हर्ष और उल्लास का माहौल देखा जा रहा है। 5 दिनों तक चलने वाले सोहराय पर्व के दौरान इस समय संथाल परगना में जगह जगह पर आपको बांसुरी की स्वर लहरियां सुनाई पड़ेंगी और मांदर की थाप पर थिरकते संथालों की टोलियां नजर आएंगी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। दरअसल झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अनुसंधान कमेटी द्वारा पार्टी के 2 प्रदेश महासचिव सहित 5 नेताओं को दल से 60 साल के लिए निष्कासित करने की अनुशंसा के बावजूद प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ अलगुलान करने वाले नेताओं का हल्ला बोल जारी रहा।